नेपाल के तराई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात बिगड़ने लगे हैं। सूबे में 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जहां पर 86 ब्लॉक के 525 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2202 गांव के 32 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। वहीं सूबे में बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। चार मेहंदिया है, यही नहर पर बानी सा सब पानी से बुड़ल बानी सा है। चारा लेते नहीं सब माल जाल के जियावे खातिर, पैदल आवे के बाद जाए पानी में हिल गए। लड़का बाल बच्चा समूचा खाना बिना मरत तारे सान, चूल्हे चाके समूचा डूब गए बा, लगना पता ही सब खत्म हो गए। कितना दिन से डूब गया है? ये हफ्ता दिन से। सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं मिला। तो चारा किसके लिए ले जा रहे हैं? गाय बकरी सब है उसके खिया। आप लोग खाना उना मिल रहा है? वो चिवरा वरा किन कर ले। राज्य सरकार ने प्रभावित गांव से लोगों को निकालने के लिए 1673 नावों का परिचालन किया है और NDRF और SDRF की करीब 20 टीमें रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं विस्थापित लोगों के लिए 82 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जहां पर लगभग 74,000 लोगों को दिन और रात का खाना परोसा जा रहा है। इसके अलावा 8 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बोलिए। हमने के भाई चलात नहीं है जा मसान में, एक बाइक पानी आ गए हुए, हमने के पानी में जाके घेरा कर माथ भर पानी में, लोग के सहारा से हमने के आके हेलल बनी जा। कितना? 27 आदमी। 27 आदमी थे। कैसे बाहर आए हैं आप लोग? लोग के सहारा से। टीम गया था जी। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिले में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, सारण, सहरसा, खगड़िया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में घर से बेघर हुए लोगों को पॉलीथीन शीट्स और ड्राई राशन का भी वितरण किया गया है। इसके अलावा GR राशि के रूप में अब तक 76,000 परिवारों में 454.18 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। कहाँ जाता नहीं है सब लेके है? का दिक्कत हो गई बा? पानी में लेके जाता नहीं? बाढ़ आ गई बा? कितना दिन से? 4 दिन से हो गई। तो रउआ लोग का खात पियत पानी? का खाता नहीं से भूजा हो जा पानी पियता नहीं। आई घई घास उसले के कहां जाता नहीं? लेती कटाई तो मलिया खन नहीं बिग दिया इच्छा बहिया से माल गोरु के लिए। बिहार और नेपाल के तराई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार फसल क्षति मुआवजे के लिए सर्वे भी साथ साथ करा रही है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। वहीं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी भी की जा रही है। क्या अभी तक फाइंडिंग हुई? क्या देखिए, जो हम लोगों ने अभी 4-5 प्रखंडों का जो दौरा किया है और जो बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उसका जायज़ा लिया है, तो उससे यही पता चला है कि लोग बहुत परेशान हैं और सरकार की तरफ से जो अभी तक के रिलीफ का कार्य हुआ है वो एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। और मुख्य रूप से वहाँ लोगों की जो मांग हमने देखा, एक तो पॉलीथीन, इतनी गर्मी है, बरसात है, उन सब के बावजूद भी सरकार लोगों को पॉलीथीन देने में एक तरह से नाकाम है, अपर्याप्त है। तो हम पहली मांग तो हमारी होगी मास स्केल पर पॉलीथीन की व्यवस्था हो, फिर खाने के लिए सूखा राशन लोगों को की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, नाव की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि इसका बहुत अभाव है इस पूरे बाढ़ क्षेत्र में। और सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो नहीं है।